हरे कृष्णा। 1905 में भगवान के एक शुद्ध भक्त ने यह निश्चय किया कि अगले कुछ वर्ष उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली कि वे अगले 10 वर्ष में 100 करोड़ बार हरिनाम का उच्चारण करेंगे, अर्थात प्रतिदिन 192 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अपनी इस घनघोर तपस्या के दौरान वह मुश्किल से 1 घंटा भी विश्राम नहीं कर पाते थे और उनके प्रसाद ग्रहण करने की विधि जानकर तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। थोड़ी सी खिचड़ी बनाकर वे उसे अपने सामने रख लेते और फिर अपने दोनों हाथ पीछे बांध लेते। इसके उपरांत वे झुककर अपनी सांसें रोक लेते और उस एक सांस में जितना भी प्रसाद उनके मुख में आ जाता वे उसी से संतुष्ट हो जाते। आज हम श्रवण कर रहे हैं एक ऐसे वैष्णव आचार्य के बारे में जिनसे देवी देवता भी और लीला का श्रवण करने के लिए आते थे। एक ऐसे भक्त शिरोमणि जिन्होंने मात्र 7 वर्ष की आयु में भगवत गीता के 700 श्लोक कंठस्थ कर लिए थे। एक ऐसे महान गुरु जिनके शिष्य श्रील प्रभुपाद ने संसार को अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की अतुलनीय भेंट दी। वेदों के ये प्रचंड ज्ञाता जिन्होंने मायावादियों को बुरी तरह से परास्त कर दिया और जिनके लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ उनके द्वार पर आ खड़े हुए थे। और ये महान वैष्णव आचार्य थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। और आज हम उन्हीं के विषय में श्रवण करेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इस धराधाम पर 6 फरवरी 1874 को दोपहर के 3:30 बजे जगन्नाथपुरी में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और भगवती देवी के घर में प्रकट हुए। इस वर्ष 31 दिसंबर को हम इस महान वैष्णव आचार्य का तिरुभाव दिवस मनाने जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज की वंदना करते हुए इस प्रकार कहते हैं, इस भौतिक जगत में केवल 2 ही महापंडित हुए, एक श्रील जीव गोस्वामी और दूसरे मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वे एक चलता फिरता विश्वकोश हैं। उनकी ख्याति ऐसी थी कि चारों ओर से लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे। जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी मदन मोहन मालवीय और सुभाष चंद्र बोस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने आए, उस समय एक रोचक घटना हुई। ये समय था वर्ष 1925 का, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। ऐसे समय में एक दिन महान देशभक्त श्री मदन मोहन मालवीय जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से भेंट करने आए और उनसे इस प्रकार निवेदन करते हुए कहने लगे, हे भक्त शिरोमणि, मेरी एक शंका है और मैं चाहता हूँ कि आप इसका निवारण करें। इसके उत्तर में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, कृपा करके आप मेरे किसी भी शिष्य से अपनी शंका का समाधान करवा सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इस उत्तर को सुनकर मदन मोहन मालवीय जी ने उनसे पुनः विनती की कि वे उनसे ही अपनी शंका का निवारण करवाना चाहते हैं, परंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने फिर से उन्हें अपने एक शिष्य के पास जाने का आग्रह किया। उनकी बात मानते हुए मदन मोहन मालवीय जी उनके एक शिष्य के पास गए जो कि रसोई घर में विग्रहों के लिए बर्तन साफ कर रहे थे। जब मदन मोहन मालवीय जी ने उस शिष्य से अपनी शंका का निवारण करने की प्रार्थना की तो उन्होंने इस प्रकार कहा, मैं इस समय सेवा में व्यस्त हूँ, मैं विग्रह के इन बर्तनों को साफ कर रहा हूँ, क्या आप मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं? इस सेवा को पूर्ण करने के बाद मैं आपकी सारी शंकाओं का निवारण कर दूंगा। शिष्य की ये बात सुनकर मदन मोहन मालवीय जी भी बर्तन धोने में उनका हाथ बटाने लगे। काफी समय बीत गया। जब कार्य पूर्ण हो गया तो मदन मोहन मालवीय जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पास आए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उनसे पूछा कि क्या उनकी शंका का समाधान हो गया, तो मालवीय जी ने उत्तर दिया, महाराज अब मेरी कोई शंका नहीं है, रसोई घर में बर्तन साफ करते करते ही मेरी सभी शंकाएं मिट गई, न जाने ये कैसे हुआ लेकिन किसी चमत्कार से कम नहीं हुआ। अपनी इस लीला के माध्यम से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने भक्ति मार्ग में विग्रह सेवा और विनम्रता के महत्व को स्थापित किया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के बहुत सारे युवा शिष्य थे जो कि ब्रह्मचर्य को पूरी कठोरता से पालन करते थे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक संगठन तैयार किया जिसमें भारत के युवा अपने देश की स्वतंत्रता की जंग में हिस्सा लेने के लिए जुड़ रहे थे। एक बार बोस जी को ये पता चला कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के कई युवा शिष्य हैं जो इस काम में उनकी सहायता कर सकते हैं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मूल्यवान योगदान दे सकते हैं, तो बस फिर क्या था, सुभाष चंद्र बोस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से मिलने आए और उनसे निवेदन किया कि वे अपने शिष्यों को उनके संगठन में शामिल होने की आज्ञा दें। उनके इस निवेदन का महाराज जी ने इस प्रकार उत्तर देते हुए कहा, आज आप भारत की भूमि पर जन्मे हैं, इसलिए भारत की ओर से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हो सकता है कि अगले जन्म में आप इंग्लैंड में पैदा हो और आप इंग्लैंड की ओर से आजादी की लड़ाई लड़े। इस भौतिक जगत का स्वभाव ऐसा ही है, यहाँ कुछ भी शाश्वत
जरूरत नहीं है, तो फिर भला मैं अपने शिष्यों को इस अस्थाई युद्ध के लिए क्यों भेजूं? ये सब तो वैसे भी हर क्षण अपने मन और इंद्रियों से युद्ध कर रहे हैं। उनका ये उत्तर सुनकर सुभाष चंद्र बोस भी उनके स्तर से सहमत हो गए और उनके शिष्यों को अपने संगठन में शामिल करने का विचार त्याग दिया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज तर्क वितर्क करने में इतने पारंगत थे कि बड़े बड़े मायावादी और नेतागण भी उनके सामने पानी भरते थे। धरती पर ऐसा कोई नहीं था जो उनसे जीत सकता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसा मंदिर भी होता है जहाँ भगवान के विग्रह के स्थान पर एक टाइपराइटर की पूजा होती है? भगवान की दिव्य लीलाओं में कुछ भी असंभव नहीं। श्री रूप गोस्वामी द्वारा स्थापित किए गए युक्त वैराग्य के मार्ग पर चलते हुए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कोलकाता में एक मंदिर की स्थापना की, परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण अथवा चैतन्य महाप्रभु या फिर उनके पार्षदों के जगह पर एक टाइपराइटर की पूजा होती थी। जब एक व्यक्ति ने इस पर आपत्ति जताई तो श्री महाराज ने टाइपराइटर की पूजा को बड़ी ही तार्किक ढंग से प्रमाणित किया। उन्होंने बताया कि जो भी वस्तु श्री भगवान की सेवा में प्रयोग होती है वह उनसे अभिन्न है। ये टाइपराइटर भगवान की दिव्य वाणी को ग्रंथों के रूप में परिवर्तित करके लाखों लोगों तक पहुंचा रहा है, जिससे उनका जीवन सफल हो रहा है। इसलिए इस टाइपराइटर का भी भगवान के तुल्य ही सम्मान और पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे थे सिंह गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। भगवान और उनके शुद्ध भक्तों की लीलाएं अथाह सागर के समान है, जिसका कोई आरंभ अथवा अंत नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के तिरुभाव दिवस के उपलक्ष्य में उनकी कुछ लीलाएं प्रस्तुत करने का हमारा ये छोटा प्रयास था। आज के दिन हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से प्रार्थना करते हैं कि भक्ति के इस मार्ग में वे हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम भगवान के चरण कमलों की सेवा कर सकें। वे सदैव कहते थे कि हमें एक क्षण भी भगवान की सेवा से विलग नहीं रहना चाहिए। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें शक्ति प्रदान करें, बुद्धि प्रदान करें और उनका आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि हम उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न हो सकें। हरे कृष्णा।